Assalamualaikum students, how are you all? I hope you all will be fine. As you know, we are on topic algorithm. So today we are going to discuss the last problem of algorithm. Problem number 13, find factorial of a given number. ठीक है, आपको पहले मैं ये बता दूँ factorial होता क्या है, कैसे find out करते हैं factorial. हमें कोई भी number दिया हुआ हो उसका factorial find out करना है. तो क्या होता है, जैसे let's suppose हमारे पास 5 है, हमें 5 का फैक्टोरियल फाइंड आउट करना है. ये हमारे पास फैक्टोरियल के साइन होता है. तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1. ठीक है, मतलब उस नंबर से पीछे जितने भी और नंबर्स होते हैं उनके साथ हम उसको मल्टीप्लाई करते हैं. सेम अगर हमें 4 का फैक्टोरियल फाइंड आउट करना हो तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1. ठीक है, तो इसको हम फैक्टोरियल बोलते हैं. अगर आपको कोई भी नंबर दिया जाए, आपने जैसे आपको 3 नंबर दिया जाता है तो आप इस 3 से को जितने भी इससे पीछे जितने भी नंबर्स होंगे उनके साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे. ठीक है, तो जो इसका आंसर होगा वो हमारे पास क्या होगा, 3 का फैक्टोरियल होगा. ठीक है, तो यहीं यहाँ पे भी आपको समझ आ चुकी होगी कि आपने क्या करना है. कोई भी आपको नंबर गिवन होगा, आपने उसके अकॉर्डिंग उसका फैक्टोरियल फाइंड आउट करना है. ठीक है, तो इसको पढ़ना शुरू करते हैं. प्लानिंग द सॉल्यूशन, इनपुट गिवन नंबर, गिवन नंबर कोई भी नंबर हो सकता है, यूजर आपको कोई भी नंबर दे सकता है, 5, 6, 7 कुछ भी नंबर हो सकते हैं. ठीक है, रिक्वायर्ड आउटपुट, हमें क्या चाहिए, हमें उस नंबर का फैक्टोरियल चाहिए. ठीक है, हमें फैक्टोरियल फाइंड आउट करना है. प्रोसेसिंग क्या होता है, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ अ नंबर फ्रॉम 1 टू गिवन नंबर. आप इसको 5, 4, 3, 2, 1 से भी कर सकते हैं तो भी सेम ही आएगा आंसर. और अगर आप इसको ऐसे लिखते हैं 1 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 5 तो भी आपके पास सेम ही नंबर होगा. ठीक है, तो ये आपको दिया हुआ है, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ ऑल नंबर फ्रॉम 1 टू गिवन नंबर. गिवन नंबर का मतलब यूजर ने कौन सा नंबर एंटर किया है, 5. ठीक है, तो 1 से लेके जो भी नंबर गिवन होगा वहां तक क्या करेंगे, हम इनका प्रोडक्ट फाइंड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे. 1 को मल्टीप्लाई 2 से, 2 को 3 से, 3 को 4 से, और अगर लास्ट नंबर हमारे पास 5 है तो हम इसको 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे. ठीक है, एल्गोरिदम स्टेप नंबर 1, हमेशा मैंने आपको बताया जब भी आप एल्गोरिदम लिखेंगे सबसे पहले आपका स्टेप नंबर 1 होगा जिसे लिखते हैं स्टार्ट. ठीक है, लेट द नंबर एन बी 5. ठीक है, आप जैसे सपोज किया हुआ है नंबर जो है ज्यूम किया हुआ है 5 है. ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है ये पेपर के अकॉर्डिंग ये लाजमी आता होता है. ठीक है, इम्पॉर्टेंट है ये, बोर्ड के पेपर में लाजमी आता है ये. ठीक है, इनिशियलाइज स्टेप नंबर 2, इनिशियलाइज लूप वेरिएबल के एंड फैक्टोरियल टू 1. ठीक है, हमने जो के वेरिएबल है क्या है, एक हम दो वेरिएबल्स बना दिए हमने, एक बना दिए के और एक बना दिए एफ. एफ रिप्रेजेंट कर रहा है फैक्टोरियल को, ठीक है, और के जो है वो नंबर को जिसमें हम इंक्रीमेंट करेंगे. और हमने दोनों को वैल्यू इनिशियलाइज करवा दी है 1, 1. ठीक है, दोनों में हमने स्टार्टिंग वैल्यू रख दी है, फैक्टोरियल की वैल्यू भी 1 रख दी और के की वैल्यू भी हमने 1 रख दी है. कैलकुलेट द प्रोडक्ट, अब प्रोडक्ट हमने फाइंड आउट करना है तो हमने एफ इज इक्वल टू एफ मल्टीप्लाई बाय के किया. ठीक है, एफ की वैल्यू भी हमारे पास क्या थी, 1, और के की वैल्यू भी हमारे पास क्या है, 1 है. ठीक है, तो इसका मतलब है कि जो इसका प्रोडक्ट होगा उसमें कौन से भी वैल्यू स्टोर होगी, फैक्टोरियल में 1 वैल्यू स्टोर होगी. ओके, अब अभी हमारे पास फैक्टोरियल में कौन सी वैल्यू पड़ी हुई है, प्रोडक्ट में 1. ठीक है, इसके बाद इंक्रीमेंट के बाय 1, के की वैल्यू के अंदर हम इंक्रीमेंट करेंगे, पहले 1 था ना, तो 1 + 1 क्या हो जाएगा, 2, तो अब के की वैल्यू क्या है, 2. ठीक है, चेक द वैल्यू ऑफ के इफ के इज लेस देन एन इक्वल टू एन. एन हमारे पास क्या है, 5 है. ठीक है, हमने एन सपोज किया था 5 है. आपने ये चेक करना है कि ये जो 2 वैल्यू है ये 5 से लेस है या इक्वल है. ठीक है, तो अब ऑब्वियसली 5 से लेस है ये. ठीक है, तो अब हमारे पास कंडीशन यहाँ पे क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी. जब कंडीशन ट्रू हो जाएगी यहाँ पे k की वैल्यू आपके पास क्या हो गया, 2. ठीक है, k की वैल्यू 2 होगी. फैक्टोरियल में पहले कौन सी वैल्यू पड़ी हुई थी हमारे पास, 1, तो ये 1 ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा. ठीक है, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1 इक्वल टू 2. अब हमारे पास फैक्टोरियल में कौन सी वैल्यू है, 2. ठीक है, ये है ना, देन गो टू स्टेप नंबर 3. तो हमने ये स्टेप नंबर 3 वाला काम किया ना,
कंडीशन यहाँ पे इंक्रीमेंट हुआ है, कंडीशन चेक हुई है, कंडीशन ट्रू हुई है हमारे पास, तो फिर ये स्टेप नंबर 3 में क्या है, ठीक है, स्टेप नंबर 2 में नहीं जाएगा। यहाँ पे हमने तो वैल्यू इनिशियलाइज करवानी है ना किसी के साथ, तो हमने वैल्यू जो है 1 के साथ इनिशियलाइज करवाई है, ठीक है, तो अब ये दोबारा स्टेप नंबर 2 में नहीं जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास फैक्टोरियल की वैल्यू क्या है, 2, अब दोबारा इंक्रीमेंट होगा तो k में लास्ट वैल्यू कौन सी थी, 2 प्लस 1, अब हमारे पास कौन सी वैल्यू होगी, 3, ठीक है, 3 मल्टीप्लाई बाय लास्ट 2 में लास्ट वैल्यू को फैक्टोरियल में लास्ट वैल्यू कौन सी पड़ी हुई है, 2, ये इस 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये 3 2 क्या हो गया, 6 हो गया, ठीक है, इंक्रीमेंट भी हो गया, ठीक है, वैल्यू ट्रू भी हो गई, ठीक है, अब दोबारा क्या, सॉरी मल्टीप्लाई हो गया, इसके बाद फिर इंक्रीमेंट होगा, इंक्रीमेंट में लास्ट वैल्यू क्या थी, के में 3, तो जब इंक्रीमेंट होगा तो अब हमारे पास के में वैल्यू कौन सी पड़ी हुई है, 4, ठीक है, 4 इस कंडीशन के अंदर चेक होगा कि जो है k की वैल्यू लेस देन इक्वल टू n है, n की वैल्यू हमारे पास क्या है, 5, तो जाहिर है 5 इज लेस देन 4 इज लेस देन 5, ठीक है, तो ये ट्रू होगी। हमारे पास लास्ट वैल्यू क्या थी फैक्टोरियल में, 6 थी, तो अब यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई होगा किससे, 6 4 24, ठीक है, उसके बाद फिर इंक्रीमेंट होगा, यहाँ ये प्रोडक्ट वाला काम हो गया, यहाँ पे इंक्रीमेंट होगा, अब हमारे पास के की वैल्यू क्या है, 5, ठीक है, 5 इज लेस देन एंड इक्वल टू 5, ऑब्वियसली कंडीशन यहाँ तक ट्रू हो जाएगी, ठीक है, ये 5 तक ही जो है वो मल्टीप्लाई होगा, क्यों, क्योंकि हमने उसको लास्ट लिमिट क्या दी हुई है, 5 दी हुई है, ठीक है, मतलब उसको हमें नंबर कौन सा दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है, अगर हम यहाँ 6 देते तो फिर यहाँ पे 6 के साथ भी ये इसका इंक्रीमेंट होता, ठीक है, 5 के बाद 6 भी आता, 1 का इंक्रीमेंट होता के में, ठीक है, तो हमने इसको जो है जितना हमने ये बोला है कि जितना नंबर है ना तब तक इसको मल्टीप्लाई करते हो, तो नंबर हमने क्या दिया होता, 5, तो 5 तक जो है के की वैल्यू इंक्रीमेंट होती जाएगी। अब हमारे पास लास्ट वैल्यू क्या है इसमें फैक्टोरियल में, लास्ट वैल्यू हमारे पास क्या थी, 24 मल्टीप्लाई होगा 5 के साथ, तो ये हमारे पास क्या वैल्यू आ गई, 120, ठीक है, तो 5 का हमारे पास फैक्टोरियल बनता है 520, ठीक है, सो ये काम हमने यहाँ पे किया है। अब यहाँ पे कंडीशन यहाँ तक ट्रू होगी, कंडीशन फॉल्स कब होगी, दोबारा ये ऊपर जाए इसमें जाएगा स्टेप नंबर 3 में, मल्टीप्लाई होगा, इंक्रीमेंट करेगा, इंक्रीमेंट करके 6 आ जाता है, ठीक है, तो अब जब 6 इंक्रीमेंट आएगा तो कंडीशन चेक होगी कि हमारे पास 6 जो है वो ट्रू नंबर है या नहीं है, मतलब हमारी कंडीशन के अंदर ये फुलफिल कर रहा है या नहीं, ऑब्वियसली हमने लास्ट लिमिट 5 नंबर ही थी हमारी, ठीक है, 5 तक था, तो 6 तो यहाँ पे इस कंडीशन में लाइक कर ही नहीं रहा, तो यहाँ पे कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी, फॉल्स होने के बाद जो आउटपुट होगा, आउटपुट शो हो जाएगा हमारे पास 120 और हमारा एल्गोरिदम क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा, ठीक है, तो ये आपके पास फैक्टोरियल ऑफ अ गिवन नंबर जो है प्रॉब्लम है, इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, ठीक है, इसको आपने नोटबुक्स पे लाजमी जो है वो एक दफ़ा लिखना है, और जो है मैं नंबर्स दूंगी उनका मुझे फैक्टोरियल आपने फाइंड आउट करके देना है, ठीक है, लाइक नंबर मैं आपको दे देती हूँ, 6 का आपने मुझे फैक्टोरियल फाइंड आउट करके दिखाना है, 7 का और 15 का फैक्टोरियल, ठीक है, थैंक यू सो मच।